न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप योगी फतेहाबाद से। अभी हम यहां देख रहे हैं कि दिल्ली जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसका एक जत्था अभी यहां पहुंचा है। ये दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कहां से आए हैं और कितने बंदे और कहां जाने का इनका प्लान है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर अपना नाम बताइए। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम बलविंदर सिंह। बलविंदर सिंह जी, कहाँ से आए हो और क्या प्लानिंग आपकी? असी पिंड साधन वास तो आए हैं जी। तो असी कानून रद्द कर जाना दिल्ली जी जी, उन्होंने रद्द करा के हटा गया असी जी। हाँ जी, आपका खाना ना लेके चले हैं। तो आज तो सरकार के साथ वार्ता है किसानों की, क्या लग रहा है आपको, निष्पक्ष निकला है कुछ? कोई पता नहीं, अभी जे ना भी मनी सरकार हम मनाएंगे, खूब मनाएंगे आपके जो जोर शोर नाल, और भी इकट्ठे करेंगे, और भी आएगा, अभी आने वाले और भी 10 ट्राली और आने वाली है जी। ये कह रहे हैं कि 10 ट्रालियाँ और आने वाली है और सरकार को मनाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो ही मनाएंगे। तो क्या प्लानिंग है आपकी, अभी कितना क्या कुछ रहेगा अगर आज वार्ता विफल होती है तो? कि मैं आज जो वार्ता होनी है सरकार के साथ, अगर वो विफल हो जाती है, कामयाब नहीं होती है वार्ता, तो क्या करोगे आगे, क्या प्लानिंग है? नहीं आते कानून वापस नहीं होते। हम 6 महीने का राशन नाल लेके चल रहे हैं। अच्छा, 6 महीने का राशन है जो नाल लेके चल रहे हैं। ये देखिए आप, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। इन्होंने कहा है कि काले कानून रद्द करा के आएंगे। इसके अंदर सामान है, खाद्य सामग्री है। ये देखिए खाद्य सामग्री, क्या क्या सामग्री है इसके अंदर? इसके अंदर खोए की पिन्नी है, आटा है, दाल है, सब चीजें इकट्ठी कर रही है जी। तो ये जो आए हैं, अब ऊपर से क्या आदेश है, किसान नेताओं के क्या आदेश है? किसान नेतों का यही देश है, जिन्हें जो वापस नहीं देते काले कानून जी, उन्ना चल यहीं पर डटे रहेंगे, वहाँ डटे रहेंगे इनके साथ है। अगर ये रद्द नहीं होते हैं कानून, तो क्या क्या है आपका वो आदेश, क्या आपको ऊपर से? आप ये कानून नहीं रद्द करेंगे है ना जी, तो हमारे किसान पीछे से पंजाबी हिंदी चल रहे हो जिंदा भी है। हाँ, जैसे भी आप बताओ, अपनी बातें बताओ। असी आई जावांगे यहीं 6 महीने के चाहे 2 साल लग जाए, यहीं पर रहेंगे जी। हाँ, कानून रद्द करा के यहाँ मुड़ांगे। बिल्कुल, ये कह रहे हैं किसान के कानून रद्द करा के मुड़ेंगे। यहाँ दूसरे किसान भी है हमारे। क्या लग रहा है इसमें, क्या है काला? आप कह रहे हो काला कानून, क्या काला है इसमें? काला है, हमारी जमीने दबन लगे ने है सारिया ही, जितनिया भी है काले कानून बना के भी बड़े अडानी वर्गे सारे उन्होंने हमारी जमीना दे देंगे जी। तो अब सरकार कह रही है MSP लिखित रूप में दे देंगे हम। नहीं देगी, सरकार झूठ बोल रही है, सरकार झूठ बोल रही है कि कितने उन्होंने वादे किए हैं, कोई भी नहीं पूरा हुआ, सब झूठ बोल रही है कि सरकार। ये एक युवा साथी है, ये भी हमें कुछ बताना चाहते हैं। नमस्कार, बस अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमरप्रीत सिंह है जी, हम गांव साधनवास से आए हैं जी। हाँ जी, बताइए सर, क्या कहना चाहते हो आप? जी, हम जो काली कानून है उनके विरुद्ध में चले हैं और हम वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे डटेंगे। जब तक कानून वापस नहीं लेते तो हमारी वहाँ भी डटे रहेंगे हम। और आप पूछ रहे हैं कि काला कानून है क्या जी? काला कानून ये है कि जो इन्होंने बनाया है कानूनों में, कि पहले था कि हम कोर्ट में लेके जा सकते थे केस को जी। अब जो है कि वो हम मजिस्ट्रेट के पास केस जाएगा, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, कंसिलेटरी बोर्ड बना देगा, तो वो केस है वहीं पे चला जाएगा। अब देखिए, मजिस्ट्रेट है जो, ये अफसर हैं जो सेंटर से लगते हैं, जो सेंटर की सरकार है वो अपॉइंट करती है इनको, वो लगाती है, तो इनके बीच में नेक्सस है। जो कॉरपोरेट है उनका सेंटर के साथ है, और सेंटर है जो वो अफसर हैं उनके ऊपर दबाव होता है, तो किसानों की तो पहले नहीं सुनी जाती जी, जी। जो शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट है 2015 की, वो कहती है कि 5.8% किसान हैं जो देश के जी। उनको MSP मिलता है, MSP तो पहले नहीं मिल रहा, तो अब कॉरपोरेट का जब दबदबा बढ़ जाएगा तो कैसे मिलेगा MSP? बिल्कुल। तो सरकार कह रही है कि कानून अच्छे हैं, किसानों की आय दुगनी होगी, क्या कह रहे हैं किसान? जो सरकार है वो अंदर जो मीटिंग होती है उसमें तो मान जाती है कि हमारे कानून गलत हैं, और जब बाहर आ गया है वो कुछ और बयान देती है जी। अभी सरकार ये कह रही है कि कानून अच्छे हैं, इससे किसानों की आय है जो दोगुनी होगी, इस पे क्या कहना चाहते हो आप? किसानों की आय उन्होंने बिहार में कितनी दोगुनी कर दी है, ये सारे प्रोजेक्ट हैं इनके विदेशों में फेल हो चुके हैं, बिहार में फेल हो चुका है, वहाँ के किसान कितने अमीर हैं जी, तो कैसे कर देंगे? ठीक बात है आपकी, लेकिन अब जैसे अभी जो अंबानी और अडानी के जो जियो के टावर है, इसका भी आप विरोध कर रहे हो, इसमें क्या कहना चाहोगे? इसमें लोगों के अंदर गुस्सा है जी। जो कॉरपोरेट है, लोगों के अंदर तनाव है कि ये हमारे ऊपर शिकंजा कस रहे हैं, तो लोग उसके विरोध में चल रहे हैं।
हालांकि चलो कुछ सहूलतें भी देते हैं, लेकिन इससे हमारा नुकसान होता है, इसके लिए विरोध में हुआ रहे जी। आप युवा साथी हो, रोजगार के विषय में क्या कहना चाहोगे? रोजगार अब तक जो इन्होंने कोरोना का बहाना बनाया है, कोरोना के पहले जो हमारी 40 साल की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज़्यादा दर रही है, इनसे रोजगार तो दिया नहीं जा रहा और ये गलत काम कर रहे हैं, तो रोजगार कैसे देंगे? अब ये कोरोना का बहाना बनाया कि कोरोना की वजह से नौकरियाँ चलेंगी, कोरोना की वजह से तो गई हैं, तो लेकिन इन्होंने अपनी खुद के और पे उपराला क्या किया है? इन्होंने स्कीमें तो निकाल देते हैं लेकिन वो खोखलापन होता है उनमें, स्कीमों में जी। तो ये भाई साहब ने बताया कि जो सरकार स्कीमें निकालती है उनमें खोखलापन होता है, यहाँ हमें कुछ बताना चाह रहे थे सर, क्या कहना चाह रहे थे आप? हमने हमारे गांव में जियो का टावर है, हमने बंद कर दिया उसको भी जी। उसके डट के विरोध करेंगे हम सब, 10 रैली हो आ रही है मगर पीछे से जी। इससे क्या क्या फर्क पड़ेगा? इससे जो आप टावर बंद कर रहे हो उससे परेशानी तो पब्लिक को परेशानियाँ बढ़ रही है? नहीं पड़ रही है उसे, उसका उसको घाटा पड़ेगा जियो को, हम पूरा डट के विरोध करेगा। तो अभी इसके कारण किसानों पे कुछ केस भी लगे हैं, इस पे क्या कहना चाहोगे आप? कौन सा? जो अभी ये किसानों ने टावर बंद किए हैं इसको लेके सरकार ने कानून के ऊपर केस लगा दिए हैं कुछ किसानों पे। असी है, उसके साथ है सारे, हम इकट्ठे हैं सब इकट्ठे हैं, किसान जो भी है हम डट के मुकाबला करेंगे, केस लड़ेंगे, सारा कुछ करेंगे। आपके अभी आपके साथ काफी ज्यादा संख्या में युवा भी हैं, और कितने लोग आप आए हो यहाँ? 40 चले हैं हम दिल्ली, 100-150 बंदा मकरा रहा है और जी। तो ये हमने आज बात की है साधनवास से, हरियाणा के जाखल से आए हैं किसान, ये 10 ट्रालियां और कह रहे हैं हमारे पीछे आ रही है, 40 लोग अभी इस ट्रालियों के अंदर हैं और 150-200 लोग अभी पीछे से आएंगे और ये दिल्ली कूंज के लिए जा रहे हैं। जब तक सरकार इनके कानून जो काले कानून ये बता रहे हैं वापस नहीं लेती है तब तक ये वहाँ से नहीं आएंगे। इन्होंने 6 महीने का राशन पानी है जो अपने साथ ले रखा है, अब ये यहाँ से रवानगी ले रहे हैं। दिल्ली हरियाणा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।